दर्शकों, मैं हर्षा गुंडला बेल्जो टीवी की तरफ से आज आपके सामने एक अकल्प्य दास्ता लेकर हाजिर हुई हूँ। पर ये हकीकत भी है जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे, आंखें खुली की खुली और मुंह भी पूरा खुला रह जाएगा। तो ये है एक ऐसी दास्ता एक भारतीय सेना के फौजी की, जो शहीद होने के बाद भी सरहद पर अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली कर रहे हैं और उनको वेतन भी दिया जाता है और साथ में उनका प्रमोशन भी किया जाता है। वैसे देखो तो भारत एक चमत्कार की भूमि है और भारत देश में ऐसे चमत्कार होते भी रहते हैं, पर पुलिस या सेना को ऐसे तर्क वितर्क पर अंधविश्वास रखना शक्य नहीं है। फिर भी ये एक हकीकत बन चुकी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पहेलियां क्यों बुझा रही हूँ, आखिर मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो दर्शकों, आपका सरप्राइज दी एंड करने के लिए मैं ये दास्ता लेकर आई हूँ बाबा हरभजन सिंह, जो एक भारतीय सेना के फौजी थे। बाबा हरभजन सिंह का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1946 में। यह बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना में भर्ती हुए 9 फरवरी 1966 में और उनकी मृत्यु हुई 4 अक्टूबर 1968 में। काफी जवानी में ही वो शहीद हो गए। खास कहने की बात इनके बारे में ये है कि यह बाबा हरभजन सिंह जब एक खच्चरों का काफला लेकर जा रहे थे, घाटी से गुजर रहे थे, तो उनका पैर फिसल गया और वो घाटी में गिर गए। घाटी में पानी का बहाव काफी तेज था तो उनका शव 2 किलोमीटर दूरी पर चला गया। भारतीय सेनानी फौजियों ने 3 दिनों तक उनके शव को ढूंढा पर वो लोग नहीं मिल पाए, उस शव को नहीं पा सके कि कहां एग्जैक्टली है वो शव। बाद में बाबा हरभजन सिंह अपने फौजी मित्रों के सपनों में आए और उन्होंने लोकेशन बताया। उन्होंने मतलब कि बाबा हरभजन सिंह ने फौजी मित्रों को सपनों में आकर लोकेशन बताया कि कहां पर उनका शव है। फौजियों ने उसी जगह पर उस शव को ढूंढा और यह हकीकत निकली कि शव वही था। है कि नहीं बातें चौंकाने वाली? आप शांत हो जाइए, मुंह बंद करके शांति से सुनिए और बहुत सारी बातें मैं आपको उनके बारे में बताने जा रही हूँ। यह शहीद भारतीय फौजी ऑनेस्टी से निष्ठापूर्वक सरहद पर अपनी ड्यूटी पे कर रहे हैं आज भी। वैसे उनकी मृत्यु होके अभी तक
48 इयर्स गुजर चुके हैं। कहने की बात यह है कि यह हरभजन सिंह चीन और भारत दोनों कंट्री के गतिविधियों के बारे में सपने में आकर बताते। यह बात कहना इसलिए मैं चाहती हूँ कि चीन के सैनिकों ने भी बाबा हरभजन सिंह को घोड़ेस्वारी करते हुए गश्त लगाते हुए देखा है। ये भी एक चौंकाने वाली बात है उनके बारे में। और भारतीय सेनानी को तो वो बताते ही हैं चीन की गतिविधियों के बारे में। जब भी चीन और भारत की कोई भी फ्लैग मीटिंग होती थी या होती है, तब ये हरभजन सिंह के लिए एक खास कुर्सी लगाई जाती है ताकि वो उस बातों में मीटिंग में जो भी बातें होती है उसको सुन सके। और एक बात मैं कहना ये चाहती हूँ कि बाबा हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी एक ऐसी इच्छा दर्शाई अपने फौजी मित्रों को सपनों में आकर कि उनकी एक समाधि बनाई जाए। तो उनके फौजी मित्रों ने उनकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। उनकी एक समाधि बनाई गई जिसे आज मंदिर के रूप में उसको मंदिर ही समझा जाता है। और खास बात ये मैं कहना चाहूंगी उनके बारे में कि इस मंदिर में बाबा की सारी चीजें रखी गई हैं, उनके जूते, उनके कपड़े, उनके लिए बिस्तर भी लगाया जाता है। हर रोज उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं क्योंकि उनके जूतों पर कीचड़ नजर आता है और बिस्तर पर सिलवटें नजर आती है, जिस वजह से उनके जूते हमेशा रोज साफ किए जाते हैं, पॉलिश किए जाते हैं और बिस्तर भी रोज लगाया जाता है। दोस्तों, ये बाबा की समाधि या मंदिर के बारे में एक ऐसी हकीकत है कि इस मंदिर में यदि पानी की बोतल रखी जाती है तो कुछ दिनों के बाद इस बोतल के पानी में ऐसा एक चमत्कार हो जाता है कि इस पानी का सेवन 21 दिन तक यदि किया जाए तो इंसान अपने रोगों से मुक्ति पा सकता है। सच कहूं, ये बाबा हरभजन सिंह सिक्किम के पास एक नाथुला के अंदर इनका जन्म हुआ था, पैदा हुए थे, रहते थे कह सकते हैं हम। तो और एक इम्पोर्टेंट बात उनके बारे में ये भी कहना चाहती हूँ कि बाबा हरभजन सिंह को हर साल 2 महीने का वेकेशन यानी कि वो 2 महीने की छुट्टी लेते थे। उनकी छुट्टी हमेशा 15 सितंबर से 15 नवंबर तक रहती थी। इस छुट्टी
ड्यूटी के दरमियान बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी पे नहीं करते थे। और आपको सरप्राइज होगा, इस छुट्टी के दरमियान क्या, तो मैं कहना चाहूंगी दर्शकों, जब उनकी छुट्टी आती है तो बाबा की टिकट बाकायदा बुक की जाती है, फौजी दो, उनकी सारी चीजें, कपड़े, जूते वगैरह सारा सामान एक सेनानी गाड़ी में और साथ में उनका साल भर का वेतन लेकर एक श्रद्धा पूर्वक अपनी माँ को, उनकी माँ को देने के लिए जाते हैं और वापस वही सारा सामान उसी ट्रेन में लाया जाता है और मंदिर में रखा जाता है। इस प्रकार की उनकी जो ड्यूटी निष्ठापूर्वक भारत की सरहद पर की जाती है, उसी वजह से उनका नाम भारतीय सेना के पेरोल पर आज भी लिखा रहा है और आज ये शहीद फौजी